आपका स्वागत है जनपद में। तो चलो शॉपिंग शुरू करें और हॉल के लिए तैयार हो जाओ। जनपद आऊं और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ना देख रहा हूँ, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। ये वाला है ना, वो ज्यादा येलो हो गया। मैं पिछली बार आई थी, बहुत अच्छा सामान था। सर्दियों में कपड़ा पूरा होता है तो उतना नहीं करना। मेरा दुख ये है कि समर्स में ज्यादा अच्छा कलेक्शन आता है ज्वेलरी का, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। कितने का है ये? 350 का। नहीं, कौन सा अच्छा है? ये एकदम ब्रांडेड लुई विटोन की बैग आई है यहाँ पे। हाँ बोलो। सो आई एम सजेस्टिंग कि आप भी तो ये ले जा। जो मुझे मोहब्बत करेगी, जो मेरी रानी बनेगी, मैं उसमें ये डायमंड इयररिंग दूंगा। ओहो हो 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 हो, जनपद में कंफर्टेबल है। सोचो सर की टास्क अच्छे हो। ये चुनरी और ये पागल मुझे बनाए पहले ही रखना। लुक बनने के बाद ही मजा आएगा। डंग है संदो कर लूंगी। हां बड़ा नहीं है लेकिन ये बड़ा साइज है आपकी साइज का। गुची साइज है, गुची है तो 26 इनके लिए किया प्रॉपर आएगा साइज। कौन उड़ा रहे काहे में? ए इतना मार्केट वाला चाइनीज में वो लग रहा हूँ। शॉपिंग हो गई है, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं ये घर जाके शूट करके आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या खरीदा यहाँ से। इस बार मैंने बहुत अलग अलग सी चीज़ें खरीदी, लाइक मैं जो बार बार खरीदती हूँ उससे हटके थोड़ा सा कुछ। Hi guys, welcome back to my channel. तो मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ मेरी हमेशा प्रेफरेंसेस रहती है कि मैं सरोजनी भी चली जाऊँ, मैं जनपद भी चली जाऊँ, बट जनपद मेरा पर्सनल फेवरेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं इसीलिए मेरे को हमेशा होता है कि सरोजनी एक बार रह भी जाए बट जनपद ना छूटे, लाइक जनपद मेरे को जाना ही होता है। तो मैं इस बार भी जनपद गई थी। ये रहा मेरा बैग। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो होने वाला है जनपद हॉल वीडियो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ज़्यादा ना बोलते हुए मैं फटाफट अपना बैग ले आती हूँ क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। तो अगर मैंने इंट्रो में इतना टाइम वेस्ट कर दिया तो मैं ये सामान कब दिखाऊंगी। सो फर्स्ट चीज़ जो मैंने वहाँ से ली थी वो ली थी मैंने ये शर्ट, शर्ट विद अ हुड। ये मुझे दूर से देखते ही पसंद आ गई थी। इसके जो कलर कॉम्बिनेशन है और ये जो चेक वाला प्रिंट है ये मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास एक दो शर्ट्स हैं H&M की बट वो बहुत महंगी है। इसका स्टाइल मुझे थोड़ा सा अलग लगा, प्लस थोड़े सस्ते रेट में जनपद से मिल रही थी और गाइस इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगा। आप उसको छू के कह नहीं सकते हो कि मैंने जनपद से लिया। और मैं जनपद से लाने के बाद मैं इसको खुद इतनी बार पहन चुकी हूँ, लाइक हॉल तो मैं लेट शूट कर रही हूँ बट ये शर्ट निकाल के मैं इसको ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत कंफर्टेबल है और प्लस इसका लुक बहुत स्मार्ट है और बहुत तरीकों से आप इसको स्टाइल कर बहुत तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हो। तो ये तो वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिकल है जो मैं जनपद से लाई हूँ। नेक्स्ट, वहाँ पे ना इस बार विंटर्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा था। तो मतलब मेरी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैंने वहाँ से खरीदी वो विंटर्स के ही पीसेज हैं, आर्टिकल्स हैं, क्योंकि ठंड में ठंड का सामान, गर्मियों में गर्मियों का सामान शायद यही रहता होगा वहाँ पर। तो इसीलिए मैंने ख़रीदा एक ओवरकोट। इसके मुझे कलर्स बहुत डिफरेंट लगे थे। द ओनली रीज़न मैंने इसको लिया इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इसके कलर्स। ये बहुत ही प्यारे से ब्राउन के साथ ग्रीन कॉम्बिनेशन दे रखा है तो मेरे को ना इसको देख के लाइक आइडियाज़ आए, अंदर ग्रीन ड्रेस पहनो, ग्रीन बूट्स पहनो या ब्राउन बूट्स पहनो एंड ये कोट तो ऐसे वाले लुक से बना लेती हूँ। तो उस चक्कर में मैंने इसको लिया। क्वालिटी वाइज आई एम नॉट श्योर, थोड़ी सी रफ़ क्वालिटी कह सकते हैं इसके, बट लाइक प्राइस के हिसाब से इतना महंगा नहीं मिला तो मुझे ये डील सही लगी तो इसलिए मैंने ये ख़रीद लिया। सी, मुझे तो ये ऐसे पहना हुआ भी इतना स्मार्ट लग रहा है। मुझे इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाहर से थोड़ा सा रफ़ फील है जो मैं पहले बोल रही थी बट अंदर से लाइक ये वाला कपड़ा की वजह से ये फील अच्छा दे रहा है। बट अगर ये कपड़ा अंदर होता तो मैं कभी ना इसको पहन पाती। बट गाइस सी ये कितना अलग सा लग रहा है, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मेरे पास ऐसा कोई भी ओवरकोट नहीं है, बेसिक बेज ब्लैक कलर के तो मैंने अभी कलेक्ट किए हैं। सो ऐसे वाले आर्टिकल्स मुझे पता है ये वाला पीस मेरा बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, बहुत कम यूज़ होगा। तो मैं अगर किसी अच्छे ब्रांड का खरीद के इतना पैसा इन्वेस्ट करके उसको खरीदती तो वो पड़ा ही रहता। जनपद से ऐसे ऐसे पीसेस मिल जाते हैं ना तो मेरे को सही लगता है कि एक दोबारी पहनना है, सही है। लाइक मेरा इन्वेस्ट सिर्फ उसी में करने का मन करता है जिसको मैं बहुत बार यूज़ करूँ। तो लाइक जीन्स हो गए या फिर ऐसे वाले ब्लैक कलर के कोट्स या बेज कलर के बहुत यूज़ होते हैं बट इस टाइप के बहुत कम यूज़ होते हैं। तो दिस इज़ समथिंग गुड, ये मुझे बहुत पसंद आया।
नेक्स्ट इज़ दिस स्वेटर, एंड इसको लेने का ओनली रीज़न इज़ कि मुझे कोरियन फील दे रहा था, एंड मुझे कभी अपने कोरियन लुक्स बनाने हुए या कोरियन लुक रिक्रिएट करना हुआ तो उसमें ये यूज़ हो जाएगा। मैं इसको ऑलरेडी एक बार पहन चुकी हूँ दिल्ली में, ख़रीदने के बाद ही बहुत स्मार्ट लग रहा था। लुक एट दिस स्टाइल, थोड़ा सा लग रहा है जैसे स्कूल गोइंग गर्ल वाला है, बट इसको अगर आप अच्छे से कैरी करो तो ये स्मार्ट लगेगा। मुझे ये अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये लिया, एंड आई थिंक ये 350 या 400 का ही था। उस हिसाब से इट्स रियली गुड, वार्म भी है, सही है, लाइक प्रॉपर विंटर्स में तो नहीं बट प्री विंटर्स पोस्ट विंटर्स के लिए इट्स रियली गुड, बट विंटर्स में भी आप इसको अंदर पहनो एंड ऊपर से कुछ स्टाइल करो, ओवरकोट पहनो। सो लग रहा है ना कितना क्यूट सा कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट से, बहुत ऐसा मैंने I don't remember मैंने H&M कहीं तो देखा था कुछ इस टाइप का, फिर मैंने वहाँ से नहीं लिया, बट जब ये मुझे जनपद पे दिखा तो मैंने ये तुरंत ख़रीद लिया। इसके अंदर आप वाइट कलर की शर्ट पहनो, कॉलर बाहर से निकले हो, यहाँ से थोड़ा पूरा कोरियन फील आ जाएगा, स्कर्ट पहनो, नीचे शूज़ पहनो, एंड यू आर गुड टू गो अगर आपको कोरियन लुक बनाना है। बट ये मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पिक्चर लगा दूँगी, मैं इसको ऑलरेडी जब मैंने इसको दिल्ली में पहना था वो वाली, और फील भी लाइक अच्छा है, कम्फर्टेबल सा है। नेक्स्ट इज़ जीन्स, मेरे को ना एक बहुत ही भयंकर वाली रिप्ड डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रेस जीन्स होती है ना, मुझे वो चाहिए, मैं वो ही ढूंढ रही थी, मुझे कहीं मिली नहीं। सो मुझे उन्होंने कि वाइट कलर की दिखाई थी तो ये मुझे थोड़ी थोड़ी लगी, लाइक सी आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही बड़ा हॉल है, बट आई डोंट नो मुझे इसके थोड़े साइज़ को लेके इशू, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, मैं ऑन कैमरा फर्स्ट टाइम आप लोग के सामने ये ट्राई करने वाली हूँ। वो तो बहुत श्योर थे, लाइक जो वो शॉपकीपर थे कि आपको परफेक्टली फिट होगा, बहुत अच्छे से होगा, उनकी श्योरिटी भी मैं ये ले आई, और लास्ट टाइम भी जनपद से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, मैं जो भी शॉर्ट्स एंड स्कर्ट्स लेके आई थी कोइंसिडेंटली मुझे वो बहुत अच्छे से फिट हुए, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार भी चांस ले लेते, बट इसको लेके आई एम नॉट श्योर, तो बाकी इसको पहन के ही पता चलेगा। जिस चीज़ का डर था मुझे वही हुआ, इसका अजीब सा ये लूज सा फिट, और मैं बार बार शॉपकीपर को बोल भी रही थी कि मुझे लग रहा है ये नहीं होगा नहीं होगा, मैम हम रोज़ बेचते हैं, हमें पता है आपको अच्छे से फिट हो जाएगा, ये वो, मुझे गट फीलिंग आ रही थी, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट कर लेना चाहिए, मुझे लग गया। बाकी आप देखो इसके रिस्ट्रिप्ट वाले फील की वजह से मुझे ये चाहिए थी, और दूसरा इसका एक और नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, इसमें सारे यहाँ पे बटन्स हैं, मुझे बहुत गंदी लगती है वो जीन्स जिसमें सारे बटन्स होते हैं, वो सारे बटन्स बंद करो खोलो, इतना इरिटेटिंग सा। मेरे पास बेसिक वाइट जीन्स है नहीं, तो मुझे ये बहुत पसंद आ गई थी देख के, इस चक्कर में मैंने ले लिया, आई डोंट नो मैं या तो उसको ऑल्टर करवा के देखूंगी अगर इसका फिट सही हो गया, क्योंकि अदरवाइज जीन्स से इसका तो लुक ही उनके फिट से आता, बल्कि मेरे को लगता है सारे कपड़ों का लुक ही उनके फिट से आता है, तो हो जाता है वहाँ पर, तो ढंग से ना मिरर्स होते हैं ना ट्रायल का सीन होता है, तो कई बार ऐसे दिल टूट जाता है जनपद जाके। नेक्स्ट इज़ दिस स्कर्ट, एंड ये तो मैंने प्योरली एंड प्योरली डांस वगैरह वीडियोज़ के लिए लिया है, वैसे भी इसको कैरी कर सकते हैं, लाइक बहुत अच्छी वाइब है इसकी, बहुत ही कंफर्टेबल हल्का सा मटेरियल है, आप गोवा वगैरह कहीं घूम रहे हो, मुझे तो लाइक इसको देख के वही वाइब आ रही है, बाकी मैंने तो उसका लाइक मेरे को तो ये डांस के लिए चाहिए था, तो दैट्स वाई मैंने ये लिया। इसको तो पहन के मुझे पूरा सेन्योरिटा फील आ रहा है, लाइक जिस पर्पज़ के लिए मैंने लिया था आई थिंक ये उस पर्पज़ को बहुत अच्छे से फुलफिल करेगा, एंड ये वैसे ही बहुत सुंदर लग रहा है, और ये बहुत लाइट वेट है, लाइक इतना कंफर्टेबल फील ले रहा है ना ये पहनने को, लाइक लगी देख के सर रहा फ्रिल्स वगैरह देख के, बट ये बहुत ही हल्का है गाइज, मैं इसमें आराम से डांस कर सकती हूँ, और डांस छोड़ो अगर आप वैसे भी नॉर्मली कैजुअली घूमने जा रहे हो गर्मियों में स्पेशली, आराम से आप इसको पहन के जा सकते हो, ये इतना हल्का लग रहा है, सर कुछ पहना ही नहीं हुआ, वैसे मुझे इतना अच्छे से इतना परफेक्टली फिट हुआ है ना, एंड आई थिंक ये मुझे 500 या 600 समथिंग का पड़ा था, तो उस हिसाब से तो। नेक्स्ट जो है वो है ये जैकेट, एंड बहुत ही बड़ी सी ढीली सी लूज सी जैकेट होती है ये, वही स्टाइल है आप देखो, लाइक मैंने मॉडल्स को ही पहने हुए देखा है ऐसे, वो लूज से जैकेट्स, बड़े बड़े जैकेट्स, बूट्स एंड ऑल, तो वो लुक मेरा बनाने का मन कर रहा था, बट वो H&M पे बहुत महंगी मिल रही थी, तो मैंने तब वहाँ पे छोड़ दिया, बिकॉज मैं पूरी श्योर नहीं थी कि मैं इसको अच्छे से कैरी कर पाऊँगी या नहीं, तो मैंने ये जनपद से ख़रीद ली कि पहले मैं ये वाले ट्राई करती हूँ पहन के देखती हूँ, अगर ये स्मार्ट लगी एंड मैंने इसको अच्छे से कैरी कर लिया तो मैं वो ख़रीद लूँगी, सो इसीलिए मैंने ये ख़रीदी। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ फिर आपको पता चलेगा, बहुत ही बड़ी सी है ये, हैवी ह्यूमंगस। सी गाइस, आ रहा है ना पूरा वो इंटरनेशनल मॉडल वाला फील, वो ऐसे से लूज से बड़े बड़े से जैकेट्स पहनते हैं ना, नीचे बूट्स वगैरह कैरी करते हैं, तो मुझे वही फील चाहिए था इसलिए मैंने ये ख़रीद लिया, एंड ये मुझे स्मार्ट लग रहा है, आई थिंक मैं इसको बहुत अच्छे से कैरी कर लूँगी, बट दुख इस बात का है कि अभी मुझे हाल फिलहाल किसी ठंड वाली जगह नहीं जाना, तो आई डोंट नो ये कब यूज़ होगा मेरा, बट प्राइस के हिसाब से आई रिमेंबर
1500 से ये नीचे नीचे में ही मुझे मिल गया, तो उस हिसाब से दिस इज़ समथिंग गुड। और मुझे इतना वार्म लग रहा है पहनने के बाद, ऑल्सो देखने में ही बहुत स्मार्ट सा लग रहा है, सो दिस इज़ अ गुड डील। आई थिंक ये मैंने कुछ अच्छा सा वहाँ से ग्रैब किया है। नेक्स्ट जो है वो भी एक जैकेट ही है, और इस जैसे मैंने आप लोग को मैं बता चुकी हूँ कि मुझे आजकल थोड़ा फ़र वाले चीज़ों से ऑब्सेशन हो रखा है, तो फ़र वाले जैकेट्स और मैं इनका कलेक्शन कर रही हूँ। सो मुझे इसका प्रिंट एंड इसका स्टाइल देख के बहुत अच्छा सा लगा था, प्लस इसका मटेरियल छू के मुझे पसंद आया था, तो ये एक ऐसा आर्टिकल जो मुझे देखते दूर से अच्छा लग गया था, तो फिर मुझे ये लेना था। पहनने के बाद भी मुझे वहाँ स्मार्ट लगा, तो इसलिए मैंने इसको लिया। बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठंड जा रही है, आई डोंट थिंक कि ये सारे कपड़े मेरे अब यूज़ हो पाएंगे, तो चलो मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ। कौन है जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा, ये जैकेट मुझे बिल्कुल पू वाइब्स दे रही है। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है मूवी थी वो, कल हो ना, सॉरी कौन सी, कभी खुशी कभी गम है ना, कितनी स्टूपिड हूँ मैं। बट गाइज लुक एट द कलर, कितना अच्छा लग रहा है, इसका फर, इसका फील इज सो गुड। लाइक मैंने इसको वहाँ पे भी ट्राई किया था, लाइक इसको तो मैंने ट्राई करके ही लिया है, एंड यहाँ पे आने के बाद भी ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। कुछ ब्राउन कलर के पैंट्स पहने हो या इसको अच्छे से स्टाइल किया हो, तो दिस इज़ अ रियली गुड पीस। मैंने बहुत मेहनत करके अच्छे अच्छे आर्टिकल्स उठा के लाई हूँ जनपद से, और वार्म भी है, गर्म भी है। ऐसी ऐसी चीज़ें ना कई बार ब्रांड्स पर नहीं मिलती है, बट अगर आप जनपद सरोजी से लाओ, उनको अच्छे से स्टाइल कर लो, तो कई बार वो ब्रांडेड फील दे देती है, ऐसा मुझे लगता है। ये एक ड्रेस है और इसकी बहुत फ़नी स्टोरी है। ये मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मुझे वहाँ पे नेक्स्ट डे कुतुब मीनार पे शूट करने जाना था, तो मुझे कुछ एथनिक फील वाला चाहिए था, तो उस चक्कर में जस्ट मैंने ये ड्रेस ली। और मैं कुतुब मीनार तो गई बट वो शूट नहीं हो पाया, मैं बहुत जल्दी जल्दी में जस्ट देख के आ गई, तो इसलिए मैंने ये ड्रेस ली थी। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थी, आप देखो अच्छी है। मैंने यूजुअली इस प्रिंट में रैप अराउंड स्कर्ट देखे हैं, बट वहाँ पे मुझे ये ड्रेस भी दिख गई, तो इसलिए मैंने ये ले ली। वैसे ही साइज़ आप देखोगे तो बहुत बड़ा है, बट इसका ना यहाँ पे साइड पे स्ट्रैप्स दिए, तो आप इसको खींच के टाइट कर लो तो ये ठीक हो जाती है, सो दैट्स व्हाई मैंने ये ली। आई थिंक ये 300 समथिंग, कितने की थी ये पता नहीं, याद नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी, आपको पहन के दिखाती हूँ। ये अभी ऐसे लूज है, इसमें ही मैंने उनसे अपना साइज़ मांगा था, बट वो बोल रहे थे कि लाइक ये भी फ्री साइज़ आता है, आप बस पहनो और फिर अपने हिसाब से। मैं आपको डोरी डोरी मैं आपको ये बांध के दिखाती हूँ, तो फिर ये कुछ ऐसे आपके साइज़ का हो जाता है। लाइक ठीक है, मैं इतनी ज़्यादा अभी इम्प्रेस नहीं हो रही हूँ इसको पहनने के बाद, पहले तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब मैं वहाँ ख़रीद रही थी, बट ओके ओके सही फील दे रहा है मुझे ये। क्वालिटी वाइज भी बहुत वाव नहीं है, ठीक है। स्ट्रैप्स टाइट करने के बाद जस्ट ये एरिया तो टाइट हो गया, बट ये भी प्रॉपर नहीं हुआ, यहाँ पे भी अजीब सा ढीलापन है, और फिर यहाँ पे ये, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि मेरा साइज़ नहीं है, मैंने किसी बड़े बंदे का पहना हुआ है। बिकॉज ये मेरे साइज़ का होता तो ये कुछ ऐसा होता, या तो मुझे इसको ऑल्टर करवाना पड़ेगा, बट अभी तो ये मुझे बिल्कुल भी पहनने के बाद कुछ खास फील नहीं दे रहा है। सो नेक्स्ट इज़ दिस स्कर्ट, ये वुलन स्कर्ट है। वुलन स्कर्ट मैं वहाँ से 2 या 3 लेकर आई हूँ, मुझे ना मिंत्रा पे मैं देख रही तो बहुत कॉस्टली, और मैं 1 या 2 बार ही पहनती हूँ फिर वो यूज़ नहीं होता, वो देखने बिल्कुल सेम क्वालिटी बिल्कुल सेम, तो मुझे जब वहाँ मिले तो मैंने सोचा मैं यहीं से ख़रीद लेती हूँ, प्राइस का इतना ज़्यादा डिफरेंस भी आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये ख़रीदा। ये मेहंदी ग्रीन कलर में है, अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, बहुत सॉफ्ट सा लाइक अच्छा फील दे रहा है ये स्किन पे, तो चलो लेट्स ट्राई दिस। ये स्कर्ट लाइक फ्री साइज़ है, मुझे थोड़ा सा लूज़ है, बट मैंने उनसे साइज़ का पूछा तो वो मुझे बोल रहे थे फ्री साइज़ आता है क्योंकि बहुत स्ट्रेचेबल है, तो ये आई गेस हर बॉडी टाइप को, हर बॉडी स्टाइल को फिट होने के लिए बना होगा, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है, अच्छा है, इसे थोड़ा सा लूज़ है, थोड़ा कम्फर्टेबल ही है। इसका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस पर जो ये लाइन्स बनी हुई है, वुलन है, उतना मोटा वुलन भी नहीं कि प्रॉपर विंटर्स में पहनूँ इसको, आप प्री विंटर्स पोस्ट विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हो, और मुझे तो इस टाइप का स्कर्ट चाहिए ही था, तो जब मिला तो मैंने तो ले लिया। सी लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने अभी ओवरकोट पहना है, अंदर मैंने कुछ ब्राउन पहना हो एंड ये पहना हो, फिर कुछ ऐसा एंड देन बूट्स पहने हो, सो कितना अच्छा लुक लग सकता है। आई एम जस्ट इमेजिनिंग, लाइक मैं एक आइडिया दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये अच्छा लग रहा है, बट कुछ ऐसा सा। सो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मेरा इतना फेवरेट 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 है, टेंटरा, वो है ये बैग। ये मुझे देखते ही लाइक, मतलब मैंने बाकी इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो दिल्ली वगैरह में रहते हैं वो कैरी करते हैं, बट मुझे आज तक समझ ही नहीं आया था वो लोग लाते कहाँ से, बट अभी जब जनपद ने मुझे दिखा सो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। गाइज लुक एट दी वाइब,
बिल्कुल मैंने इसको स्टाइल किया था, मैंने बिल्कुल प्लेन ड्रेस पे ये पहना था। इसने ये खुद में इतनी बड़ी एसेसरी है कि आपको इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बैग मुझे बहुत पसंद आया, ये थोड़ा कॉस्टली था, आई थिंक ये मुझे 1800 या 1500 का पड़ा, बट प्राइस के हिसाब से ये वर्थ है। द क्वालिटी इज सो गुड, लुक इज सो गुड, दिस इज अमेजिंग। सी लास्ट टाइम ही मैंने इसको इसी ड्रेस के साथ कैरी किया था, प्लेन बेसिक ब्लैक कलर की ड्रेस, वाइट फुटवेयर या कोई भी कलर के, एंड दिस बैग। ये बैग खुद में इतनी बड़ी एसेसरी है कि इसको कैरी करते आपको नीड ही नहीं है कुछ और एसेसराइज करने की। बस मैंने बेसिक से पिंक कलर के हुप्स अभी पहने हुए हैं, मुझे पूरा लुक भी अपना अच्छा लग रहा है, मुझे ये बात पसंद आया। नेक्स्ट इज दिस, और ये एक बॉडीकॉन ड्रेस है, इसे मैं ऑलरेडी मजनू का टीला जब मैं गई थी तब मैंने ये पहनी थी। अगर आप लोगों ने मेरी वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देखो। सो मैंने ये पहनी थी एंड इसके ऊपर मैंने वो बैग कैरी किया था जो मैंने आपको अभी दिखाया, एंड ईयर रिंग्स पहने थे वो भी जनपद के ही थे। बहुत अच्छी ड्रेस है ये, लाइक जनपद में मुझे बहुत अच्छा सामान मिल जाता है, मैं सारा सामान वहाँ का पहनती हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे मिलती है। बेसिक सी बॉडीकॉन ड्रेस है, वूलन है, मोटे कपड़े की है, तो विंटर्स में दिस इज़ अ मस्ट हैव, लाइक बिल्कुल बेसिक ड्रेस तो होनी चाहिए। इसके ऊपर ओवरकोट पहन लो, जैकेट पहन लो, कैसे भी स्टाइल कर लो। सी गाइज, है ना ये ड्रेस प्यारी सी, मुझे तो अच्छी लगी बहुत। मेरे को बस ये था कि मैं इसकी लेंथ और लंबी एक्सपेक्ट कर रही थी, लाइक मेरे को था यहाँ तक आएगी, बट ये थोड़ी सी ऊपर तक आ गई। अगर ये और लंबी होती तो फिर ठंड से और ज़्यादा बच पाते, बट अभी ये कि अगर ज़्यादा ठंड में आप पहनोगे तो उसके नीचे कुछ वार्म लेगिंग्स वगैरह पहननी पड़ेंगी, बट अदरवाइज़ ये भी फ्री साइज़ है, लाइक हर साइज़ को फिट होने के लिए। अगर आपको लगे कि आपको ज़्यादा लूज़ हो रहा है तो यू कैन वियर बेल्ट, बट मैंने बेल्ट वेल्ट नहीं पहनी थी, मुझे तो मैंने ऐसे ही ये कैरी किया था इसके ऊपर बैग एंड जैकेट। सो बेसिक सी ब्लैक कलर की ड्रेस है, वुलन ड्रेस है। मैं ज़ारा चरण पे मैं देख रही तो बहुत कॉस्टली मिल रही थी, वहाँ मुझे सही प्राइस पे मिल गई तो मैंने वहाँ से ले ली। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ज़ारा H&M और भी कुछ कुछ ब्रांड्स के वहाँ पे ड्यूप्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। कुछ कुछ कपड़े तो ऐसे थे वहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ था ज़ारा, ना अगर आपकी उनकी क्वालिटी छोड़ोगे तो बिल्कुल ज़ारा वाला फील आता है। आई डोंट नो वो रियल होते हैं या क्या, बट सही चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सारे सॉक्स भी लेकर आई थी वहाँ से, क्योंकि मेरे सॉक्स खो जाते हैं, ये वन टाइम वेयर होंगे फिर मुझे दोबारा कभी दिखते नहीं है, तो जब वहाँ मुझे थोड़े सस्ते से मिल गए मैंने सोचा ले जाती हूँ। सो सॉक्स एंड लास्ट वी हैव इज ज्वेलरी। फर्स्ट मैं लेकर आई ये बड़े बड़े हैंडकफ्स, लाइक आप बस एक ही पहनो और पूरा ऐसा लगेगा आपने बहुत सारे बैंगल्स स्टैक कर रखे हैं, है ना, इजी हैक टाइप वाला फील दे रहा है मुझे ये। सो ये मैं दो लेके आई थी अपने दोनों हाथों के लिए, एक आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो इन्हें। इज दिस, एंड ये भी एक हैंडकफ ही है, ये भी रैप हो रखा है, सो आप ऐसे ही देख लो। अब मैं आपको दिखाती हूँ ईयर रिंग्स जो मैं वहाँ से लेकर आई, लाइक मैं एक सेट लेके आई, वैसे तो ये सेट उन लोगों ने रखा नहीं था बट ये सेट मैंने बनाया, जिसमें है दिस इज द नेक पीस, लाइक आपको ये गले में पहनना है, एंड ये ईयर रिंग्स, और ये मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ जब मैं मजनू का टीला गई थी, तो ये मैंने ऐसे करके सेट बनाया है। यार ये टूट गया, ये ऐसे था, नहीं जी पकड़ा। सो ये थे। नेक्स्ट ये वाले मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही क्यूट से हैं, दिस ऑल्सो दिस, ये तो मैं पहन भी चुकी हूँ एक बार, थोड़े से रिंग्स, बेसिक तो नहीं बट मुझे अच्छे लगे तो मैं ले आई। फिर मैंने लिया ये, दिस इज ऑल्सो अ नेक पीस, ये थोड़ी सी मुझे ट्राइबल वाइब दे रहा था तो मैंने ले लिया, कि कभी वीडियोस या लुक्स बनाने का मन हुआ या कभी ऐसे रैंडमली पहनने का मन हुआ तो आई विल वेयर दिस। मैंने एक सेट और ख़रीदा था, लाइक ये भी सेट नहीं था, ये भी मैंने ही सेट बनाया, वहाँ ढूंढे लाइक इयर रिंग्स कहीं और से उठाए, एंड ये दिस इज़ द चोकर, ये ऐसे गले में आएगा, एंड इसी से मैच करके मैंने इयर रिंग्स ढूँढे थे वहाँ से, ये सी सो समथिंग लाइक दिस, अच्छा लगेगा कभी मैं साथ में पहनूंगी तो। और बेस्ट पार्ट है कि चोकर अलग से यूज़ कर लो, ईयर रिंग्स अलग से यूज़ कर लो। तो नेक्स्ट है ये ईयर रिंग्स, भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रिटी है, और मैं इन्हें भी ऑलरेडी पहन चुकी हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर आप मेरी रील्स वगैरह देखते हो तो यू विल नो। नेक्स्ट इज दिस, एंड ये तो काफ़ी हैवी सा है, ये भी थोड़ा सा ट्राइबल फील देता है, लाइक ट्राइबल ऑक्सीडाइज मिक्स सा फील है इसका। सो
यहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का भी पार्ट है, बाकी ये बीड्स लगे हुए हैं। सो ये कुछ ऐसा है, हैवी सा है, लाइक सिंपल प्लेन टॉप पहनो में कुछ ऐसे हैवी सी ज्वेलरी पहनो एंड यू आर गुड टू गो। एंड दिस इज अ कमर बंद। हाँ ये टूट गया, आधी चीज़ें तो वहाँ से यहाँ लाने में टूट जाती है, और ये टूट गया वो टूट गया करते थे। चलो मैं इसको बाद में ठीक कर लूँगी। बहुत अलग सा ये मुझे लगा था, लाइक काफ़ी बड़ा सा कमरबंद, सो इसलिए मैंने इसको ले लिया। अब इसको जो ये टूटा हुआ है पहले ये ठीक होगा। सो दिस एंड लास्ट वी हैव पायल। कुछ कुछ कमरबंद से मैच करते हुए मैंने ये ले ली थी एंकलेट्स फॉर माई बोथ एंकल्स। सो गाइज दैट्स इट, इतना ही सामान मैं लेकर आई जनपद से। मैं बेसिकली वैसे सच बताऊँ तो वहाँ ज्वेलरी के लिए जाती हूँ। मैंने हमेशा से सुना है कि जनपद पे ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है, बट अभी जो एक चीज़ मुझे लगी कि वहाँ पे ज्वेलरी कलेक्शन था नहीं। वो लोग मुझे कह रहे थे कि मैंने सारे शॉपकीपर से पूछा तो वो सब यही बोल रहे थे कि समर्स में ज्वेलरी कलेक्शन अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू अभी विंटर्स में, भी थोड़ा विंटर्स का ही सामान रहता है। तो मैंने उतनी ज़्यादा मुझे चीज़ें अच्छी लाइक मिल गई, अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, बट समर्स में तो मैं बहुत ही सारे ज्वेलरी शॉपिंग कर लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ें खरीद लेती हूँ। बट नो डाउट विंटर्स की मुझे कुछ कुछ आर्टिकल्स, कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। जनपद मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे कमेंट से बताओ आपको सबसे अच्छा इसमें से क्या लगा और क्या क्या वीडियोज़ आप आगे देखना चाहोगे। चलो बाय बाय।